अब हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे सक्सेसफुल आईटी प्रोफेशनल से जो अपना खाली वक्त गोल्फ खेलकर या किसी स्पा में नहीं बिताते, ये अपने वीकेंड्स बिताते हैं जरूरतमंद लोगों की सहायता करते हुए एक एनजीओ में। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अब्दुल रहमान जी की, जो कि संभालते हैं वाइस प्रेसिडेंट ग्लोबल सेल्स का पद हैदराबाद की जानी मानी आईटी कंपनी नेटमर्टिक इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में। एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे मिस्टर रहमान ने काफी कठिन समय देखा है। इनके 3 भाई और 4 बहनें हैं। जहां इन्होंने अपना बचपन बिताया वहां चाइल्ड लेबर बहुत कॉमन था। इस बात का इनके कोमल हृदय पर काफी प्रभाव पड़ा और इन्होंने ठान ली कि ये पढ़ लिख कर अच्छा जॉब करेंगे और एक बेहतर जिंदगी जिएंगे। 10वीं कक्षा के बाद इन्होंने पॉलिटेक्निक कोर्स किया और हैदराबाद की एक सिविल इंजीनियरिंग फर्म में जॉब करने लगे। जब कभी भी ये किसी पढ़े लिखे बेरोजगार से मिलते तो इनका मन विचलित हो उठता, लेकिन ये भी अपने करियर के शुरुआती दौर में थे, इसलिए चाह कर भी ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाते थे। चलिए, नई सदी की शुरुआत में भाग्य ने करवट ली और इन्हें सऊदी अरेबिया में एक अच्छी जॉब ज्वाइन करने का मौका मिला। ये वहां चले तो गए पर इनका दिल अपने देश भारत में ही रहा। ये अपना जीवन अपने माता पिता और हैदराबाद के सैकड़ों जरूरतमंदों की सेवा करने में बिताना चाहते थे। इन्हीं दिनों हैदराबाद तेजी से एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब में परिवर्तित हो रहा था, जिसे देखकर इन्होंने हैदराबाद की एक आईटी कंपनी नेटमर्टिक इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के शुरुआती दिनों में ही उसे ज्वाइन कर लिया। आईटी इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने के लिए इन्होंने सिस्को यूएसए के सर्टिफाइड कोर्सेज और कुछ सेल्स और नेटवर्किंग के कोर्सेज भी किए। रहमान साहब ने नेटमर्टिक इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में रोजाना 16 से 18 घंटे काम करके कंपनी को एक मजबूत नींव प्रदान की। यहीं से इन्होंने अपनी सेल्फलेस लाइफ यानी अपने निस्वार्थ जीवन की शुरुआत भी की। अपने घर के आसपास रिक्शा चलाने वाले और घरों में काम करने वाली औरतों के बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाया और यही नहीं बल्कि कई अनाथालयों की हर संभव सहायता की। और फिर सन 2007 में इन्होंने स्वयं के एनजीओ हेल्पिंग टू हैंड्स की स्थापना की। इस एनजीओ के एफर्ट्स चाइल्ड एजुकेशन और विमेन एम्पावरमेंट पर केंद्रित रहे। इनके अन्य समाज सेवी कार्यों में प्रमुख हैं उर्दू एवं तेलुगु मीडियम के गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को एसे और डिबेट कॉम्पिटिशन द्वारा प्रोत्साहित करना, दहेज उत्पीड़न की शिकार महिलाओं के लिए कंप्यूटर और इंग्लिश कोर्सेज का आयोजन, गर्मियों में पीने के पानी का मुफ्त वितरण करना इत्यादि। हाल ही में हेल्पिंग टू हैंड्स ने रेनबो ऑर्फेनेज के साथ काम करना शुरू किया है ताकि लोग इस अनाथालय से बच्चों को गोद लेने के लिए आगे आए। रहमान साहब के अनुसार इन सब समाज सेवी कार्यों से उनके मन को बेहद शांति मिलती है और इन सब कार्यों का श्रेय वो अपने माता पिता द्वारा दिए संस्कारों और अपनी पत्नी आयशा फरहीन जी के सहयोग को देते हैं। इन्हें आशा है कि आने वाले समय में इनका बेटा और 2 बेटियां इन्हें अपने आदर्श के रूप में देखेंगे। रहमान जी के जीवन का सार 2 पंक्तियों में कुछ ऐसे बयान हो सकता है। चिड़ी चोंच भर ले गई नदी ना घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे कह गए भक्त कबीर। वाह रहमान साहब।